दोस्तों अगर अभी तक आपने सोन का बर्थडे पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोग मिलकर सोन को एक बर्थडे सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज मिलने के बाद सोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सोन जैसे ही अपना बर्थडे केक काटने वाला था कि तभी यहाँ पर जेसन आ गया और जेसन अपने हाथ में एक गन भी लेकर आया था और जेसन ये कह रहा था कि ये सारे लोगों को मारने के लिए आया है। लेकिन जेसन की ये सारी बात अज्जू भाई छुपकर सुन रहे होते हैं। अब अज्जू भाई को भी जेसन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आखिर जेसन सब क्यों कर रहा है, यही सोचकर सोन जेसन से कहता है, जेसन तुम मेरे बर्थडे के दिन ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो तुम मेरा बर्थडे बिगाड़ने के लिए आए हो। जेसन कहता है कि चुपचाप हाथ ऊपर करके खड़े रहो सोन, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं सबसे पहले तुम्हें मारूं। इधर जेसन सोन से बात करने में लगा हुआ था, इसी मौके का फायदा उठाकर रॉड यहां से बचने के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन अरे ये क्या, रॉड तो ऊपर से नीचे कूद गया, आखिर रॉड अब क्या करने वाला है। अरे ये क्या, रोड तो ऊपर से कूद कर नीचे गिर गया और फिर रोड यहाँ से उठकर कहीं जाने लग जाता है। आखिर रोड यहाँ से कहाँ जा रहा है। दरअसल गिरने की वजह से रोड के पैर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, इसलिए रोड थोड़ी देर लंगड़ाते हुए चलता है और फिर अचानक से दौड़ लगा देता है। पता नहीं रोड के दिमाग में क्या चल रहा है और आखिर ये क्या करने वाला है। और इधर दूसरी तरफ अज्जू भाई ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर जेसन से कैसे बचा जाए, और तभी अज्जू भाई को एक आइडिया आता है और फिर अज्जू भाई वेयर हाउस के अंदर जाने लग जाते हैं। अज्जू भाई ने ये सोच लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, सारे लोगों को जेसन से अब अज्जू भाई ही बचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आइसक्रीम मैन रोड चुपचाप बैठने वाला तो है नहीं, आखिर वो क्या कर रहा है। और रोड के बारे में तो ग्रीन क्रिमिनल के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। इधर अज्जू भाई जेसन को मारने का प्लान भी बना चुके हैं। दरअसल अज्जू भाई जेसन के पीछे से जाएंगे और उसे पीछे से चाकू मार देंगे, क्योंकि जेसन के हाथ में गन है। लेकिन अरे ये क्या, जेसन के पीछे से तो आइसक्रीम मैन रोड काफी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। अरे ये क्या कर दिया रॉड ने, रॉड ने तो अज्जू भाई और जेसन दोनों को ही फ्रीज कर दिया है। तभी सोन रॉड से कहता है कि ये क्या कर दिया रॉड तुमने, तुमने तो अज्जू भाई को भी फ्रीज कर दिया है। तभी रॉड सोन से कहता है कि तुम चिंता मत करो सोन, मैं अभी अज्जू भाई को ठीक करता हूँ। वैसे शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि मैंने काफी सारे अच्छे लोगों को गलती से फ्रीज कर दिया है और फिर मैं उसे ठीक भी कर देता हूँ, देखो अभी मैं अज्जू भाई को कैसे ठीक करता हूँ। इतना बोलने के बाद रॉड अज्जू भाई के पास चला जाता है। बर्फ हटाते ही रॉड अज्जू भाई से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए अज्जू भाई, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मैं तो बस जेसन को ही फ्रीज कर रहा था। रॉड की बात सुनने के बाद अज्जू भाई रॉड से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रॉड, दरअसल गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। लेकिन वो सब छोड़ो, चलो अब जल्दी से सोन का बर्थडे मनाते हैं। रॉड कहता है कि हाँ हाँ अज्जू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम लोगों को बर्थडे पार्टी कर ही लेना चाहिए क्योंकि काफी लेट हो चुका है, चलिए चलकर बर्थडे पार्टी करते हैं। इतना कहने के बाद आइसक्रीम मैन रॉड और अज्जू भाई वहां से केक की तरफ जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सारे लोग केक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सोन कहता है कि तुम लोगों को तो पता ही है कि मुझे सिर्फ केक काटना ही पसंद नहीं बल्कि मुझे डांस करना भी पसंद है, लेकिन यहाँ कहीं डीजे तो दिखाई नहीं दे रहा है। सोन की बात सुनने के बाद आलोक कहता है कि सोन तुम चिंता मत करो, यहाँ पर डीजे के बारे में सोचने वाले सिर्फ तुम अकेले ही नहीं बल्कि मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी डीजे के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैंने तो अपने आदमियों से कह दिया था कि यहाँ पर वो डीजे लेकर जल्दी आ जाए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर आया ही नहीं। मेरे सारे आदमी काफी ज्यादा कामचोर हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ पर डीजे लेकर आएंगे, तो हम लोगों को बिना डीजे का ही बर्थडे पार्टी करना होगा। आलोक जैसे इतना कहता है कि तभी अचानक से इन लोगों को किसी चीज की आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो किसी ने गाड़ी में काफी सारा डीजे लाया है और इस गाड़ी में डीजे एक दो ही नहीं बल्कि कई सारे हैं, शायद ये डीजे आलोक के ही आदमियों ने लाया है। जैसे ही सारे लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर डीजे वाला गाड़ी आ चुका है तो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पहले तो इन लोगों को ये लग रहा था कि ये लोग सोन के बर्थडे पार्टी में डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि आलोक के आदमियों ने यहाँ पर डीजे ले आया है, तो अब ये सारे लोग पूरी रात डीजे पे डांस करेंगे। लेकिन अरे ये क्या, इस डीजे वाली गाड़ी को तो हेलो नेबर लेकर आया है। हेलो नेबर को देखते ही आलोक तुरंत ही हेलो नेबर के पास जाता है और फिर उससे कहता है ये डीजे तो मेरे हैं और ये सारे डीजे मेरे आदमी यहाँ पर लाने वाले थे, लेकिन तुम यहाँ पर इसे लेकर क्यों आ रहे हो, मेरे आदमी कहाँ है। आलोक की बात सुनने के बाद हेलो नेबर आलोक से कहते हैं कि जिस आदमी को तुमने डीजे लाने को कहा था वो बीमार हो चुका है, इसलिए उसने मुझे भेजा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम लोगों का सारा पार्टी का मजा ही खराब हो जाता है क्योंकि तुम लोग पार्टी में डांस ही नहीं कर पाते। तुम लोग बस ये समझ लो कि आज तुम लोग मेरी वजह से बर्थडे पार्टी में डांस कर पाओगे। तुम लोगों को जो भी जल्दी से कर लो क्योंकि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। हेलो नेबर की बात सुनने के बाद सोन कहता है कि हेलो नेबर अगर आप बीमार है तो क्या हुआ, आप जाकर गाड़ी में डीजे बजाइए, तब तक मैं केक काटता हूँ और फिर मैं आपको भी केक खिलाऊंगा। सोन की केक वाली बात सुनते ही हेलो नेबर वहाँ से गाड़ी में डीजे बजाने के लिए जाने लग जाते हैं और इधर दूसरी तरफ सारे लोग सोन के पास चले जाते हैं और सोन केक काटता है। जैसे ही सोन केक काटता है तभी हेलो नेबर डीजे बजाते थे और सारे लोग डांस करने लग जाते हैं।
काफी देर फनी डांस करने के बाद सोन को याद आता है कि उसने तो अभी तक केक खाया ही नहीं, कहीं केक खराब ना हो जाए, ये सोचकर सोन केक खा लेता है। सोन जैसे केक खाता है तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे वहाँ सोन तुम तो चुपके चुपके और अकेले अकेले केक खा रहे हो, तुमने तो हम लोगों को बताया भी नहीं, हम लोगों को भी केक टेस्ट करना है तो जल्दी से हम लोगों को भी केक खिलाओ। लेकिन जैसे ही गुल्ली इतना कहता है कि तभी अरे ये क्या सोन को क्या हो रहा है, केक खाते ही सोन को चक्कर आ जाता है और सोन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन सोन केक खाते ही बेहोश क्यों हुआ, कहीं केक में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं। तभी गुल्ली रॉड से कहता है कि रॉड तुमने ये सब क्या कर दिया। गुल्ली की बात सुनते ही रॉड कहता है कि मैंने कहाँ कुछ किया है गुल्ली। तभी गुल्ली काफी गुस्से में कहता है, आज सोन का बर्थडे था लेकिन तुम सोन के बर्थडे केक में जहर मिलाकर लाए थे, यानी कि तुम सोन को मारना चाहते हो। और तुम सिर्फ सोन को ही क्या, तुम तो हम लोगों को भी मारना चाहते हो क्योंकि तुमने पूरा का पूरा केक में ही जहर मिलाया है। अगर हम सारे लोग भी केक खा लेते तो हम लोगों का भी यही हाल होता जो सोन का हुआ है। और हाँ तुम्हें एक बात याद रखना कि अगर सोन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं 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 गुल्ली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता और मेरा विश्वास करो मैंने केक में जहर नहीं मिलाया है। गुल्ली कहता है तो फिर ये सब किसने किया है रॉड। लेकिन रॉड को ये पता ही नहीं है कि आखिर ये सब किसने किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सब रॉड ने किया या फिर ये सब किसी की सोची समझी चाल है। अभी तो सोन ने अपने बर्थडे में अच्छे से डांस भी नहीं किया है और ये सब क्या हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी देखना है कि ये सब किसने किया है तो आप लोगों को देखना होगा पार्ट फोर। देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।